Numbers, yes, very good. Very attentive people. Hallelujah. So, Numbers 11 में क्या वो कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने लगे? They began to grumble and complain. और मरने लगे हजारों की तादाद. And in thousands they were. तो फिर मूसा के पास आए और बोले परमेश्वर से प्रार्थना करके वो सांपों को हटा लें. They came to Moses and said, pray to God and he would take away the serpents. मगर परमेश्वर ने सांपों को नहीं हटाया. But God did not take away the serpents. परमेश्वर ने कहा आप सोचिए उनको जगह जगह काटा हुआ है सांपों ने. Imagine the snakes उनका शरीर सूजा हुआ होगा. Their bodies may have been swollen. खून निकल रहा होगा. Bleeding. परमेश्वर ने कहा उनको बोल. The Lord said, tell them. क्या होता है अगर आपके पाँव में सांप ने काट दिया? What if somebody किसी के पाँव में सांप ने काट दिया? आप क्या करोगे? आप अपनी नजर वहां से हटाओगे ही नहीं. You would fix your eyes there. अरे देखो पांच मिनट पहले कम सूजा था अब ज्यादा सूज गया. Oh look, 5 minutes ago it was not so swollen, now it's so. प्रभु ने कहा अगर उन्हें चंगाई चाहिए उनको बोल अपनी नजर को वहां से हटाएं. और परमेश्वर ने पीतल का एक खंबा बनाया जो यीशु मसीह के क्रूस को दर्शाता है. और प्रभु ने कहा उनको बोल वहां देखें. और बाइबल कहती है जितनों ने उसकी ओर देखा वे चंगे हो गए. The Lord said, tell them to take their eyes off of the snake's bite and put their eyes on the brazen serpent which represents the cross of Lord Jesus. And the Bible says, everyone who saw that brazen serpent was healed. देखिए क्या होता है जब हम बीमार होते हैं हमारा ध्यान कहाँ होता है? देखो कितनी सूजन है. When we are sick, what happens? Our awareness is on the डॉक्टर की रिपोर्ट देखो क्या कह रही है और बढ़ गया. Look at the doctor's report. परमेश्वर कह रहा है अगर चंगा होना है. The Lord is saying, if you want to be healed, अपनी नजर अपने शरीर से हटा, remove, अपनी रिपोर्ट से हटा और मेरे बेटे के क्रूस की ओर देख. Remove your gaze from your body and your reports and look towards my son. आप जानते हैं क्रूस जब आप समझ जाएंगे इस बात को मानव जाति को कुछ भी जो चाहिए क्रॉस में परमेश्वर ने पहले से प्रबंध कर दिया है. इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट व्हाटएवर द मैनकाइंड नीड्स गॉड हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड थ्रू द क्रॉस. अब आपको भीख मांगकर गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है. परमेश्वर को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है. नाउ यू हैव नो नीड टू बेग एंड कन्विंस गॉड टू गिव यू समथिंग. आमेन. जब आप पैदा भी नहीं हुए थे वो ऑलरेडी कन्विंस्ड है आपकी चंगाई के लिए. इवन व्हेन यू आर नॉट बोर्न ही इज ऑलरेडी कन्विंस्ड फॉर योर हीलिंग. हालेलुया. एक दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा मेरे बेटे स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस मी. मुझे मनाना बंद कर. कन्विंस योर हार्ट. अपने दिल को मना. I'm already convinced for you. मैं पहले ही माना बैठा. It's your heart that doesn't believe my word. तुम्हारा दिल है जो मेरे वचन को नहीं मानता है. Problem परमेश्वर को मनाना नहीं है. The problem is not आपको अपने हृदय को मनाना है कि आपका हृदय माने जो वचन में लिखा है आपके लिए. You have to convince your heart that what the word says is for you. हम बोले वचन में क्या लिखा है उसके कोड़े खाने से मगर आपका दिल नहीं मानता इस बात को. The word says you are healed by the stripes of Jesus but your heart doesn't believe it. दिल है कि यही है सारी दिक्कत. सो आपका काम परमेश्वर को मनाना छोड़ो अपने दिल को मनाओ. कैसे? बार बार वचन पर मनन कर देख कर सुसमाचार पढ़ो और जानो और उसको मनन करो तो आपका हृदय मानने लग जाएगा. सो स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस गॉड एंड स्टार्ट कन्विंसिंग योर हार्ट बाय मेडिटेटिंग रीडिंग द वर्ड अगेन एंड अगेन एंड यू विल स्टार्ट टू सी इट. ओके. सो ये पहला था. आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? आप क्रिब नहीं करोगे, वर्शिप करोगे. यू विल नॉट कंप्लेन, यू विल नॉट ग्रम्बल. बट आप ये नहीं बोलोगे वाई मी. आप ये नहीं कहेंगे प्रभु मेरे साथ ही क्यों हुआ. वाई मी लॉर्ड. मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया. आई हैव नेवर डन बैड टू एनीवन. ये डायलॉग सुनते हुए मुझे 12 साल हो गए लोगों. इट्स बीन 12 इयर्स आई एम हियरिंग दिस डायलॉग. मेरे साथ ऐसा क्यों है? Why is it happening? अरे आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक शैतान है जो चोरी करना चाहता है, नाश करना चाहता है और हत्या करना चाहता है. इट हैपेंड टू यू बिकॉज़ देयर इज अ डेविल हु वांट्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय. Amen. Hallelujah. दूसरा पॉइंट, दूसरी चाबी. Second key. Being fully convinced or completely convinced that God has provided healing for you. संपूर्ण तरह से मान लेना कि परमेश्वर ने आपके लिए चंगाई दे दी है. परमेश्वर देगा नहीं. Not that he will give. परमेश्वर ने but that he has दे दी है. Given it. मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ. क्या परमेश्वर अपने पुत्र को भेजेगा दुनिया के लिए, उद्धार के लिए? Will God send His Son for the world? भेजेगा उद्धार के लिए या भेज चुका है? Will He send Him for salvation or has He sent Him? For God so loved the world that He gave His only begotten. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया. मगर क्या पूरी दुनिया क्या बच चुकी है? But has the entire world been saved? परमेश्वर ने तो दे दिया अपने पुत्र. God gave His Son. परमेश्वर ने दे दिया. God gave. मगर सब ने ग्रहण नहीं किया उसे. But
Not everyone received. ऐसे ही परमेश्वर ने चंगाई भी पूरी मानव जाति के लिए दे दी. In the same way, God मगर सबने ग्रहण नहीं करी. Healing for entire mankind, but not everyone took it. Okay, Isaiah 53 देखते हैं हम 4:5. Isaiah 7 में हम वचन को पढ़ते हैं. Amen. सामर्थ किसमें? Where is the power of God? अरे बोलो सामर्थ किसमें? वचन में. The power is in the word. Isaiah 53:5. But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes he was healed. परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया. हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं. मैं चाहता हूं आप इसमें जो काल है उस पर वो करें. I want you to focus on the tense. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं. English Bible says we are healed. अंग्रेजी बाइबल कहती है कि हम चंगे हो चुके हैं. मगर जब पत्रस इसको कोट करता है, but when Peter quotes this, 2000 साल बाद, after 2000 years, तो वो क्या लिखता है? What does he write? पहला पत्रस 2:24. First Peter 2:24. Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we having died to sins might live for righteousness, by whose stripes we were healed. वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए. उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए थे. अब ध्यान से इस बात को सुनिए. कितने मसीह लोग आज पता क्या कहते हैं? मुझे पता है एक दिन प्रभु मुझे क्या करेगा. Many believers say, I know one day the Lord will heal me. अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी, आपकी चंगाई फ्यूचर में नहीं है, पास्ट में है. Tell your neighbor, your healing is not in the future, it's in the past. समझे नहीं आप? मैंने कहा आपकी चंगाई फ्यूचर में नहीं है. I said your healing is not in the future. एक दिन परमेश्वर मुझे चंगा करेगा नहीं है. One day परमेश्वर मुझे चंगा कर चुका है क्रूस पर. But God has already healed me on the cross. Amen. So अगर आपको अपनी चंगाई देखनी है, पीछे देखो क्रूस में, जहां यीशु मसीह ने कोड़े खाए आपकी बीमारी के लिए. So if you want to see your healing, then look towards the cross where Jesus took stripes on his back for your healing. मेरे पीछे बोलो, my healing is a done deal. बोलो done done. Done 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 done. बोलो मेरी चंगाई हो चुकी है, पूरी पूरी हो चुकी है. पर पास्टर डॉक्टर की रिपोर्ट, पास्टर और प्रभु ऊपर से कह रहे, अरे एक रिपोर्ट मैंने भी दी है तुमको, थोड़ा उस पर भी भरोसा कर लो. लेकिन पास्टर एक रिपोर्ट, द लॉर्ड इज सेइंग आई हैव आल्सो गिवन यू अ रिपोर्ट, बिलीव ऑन दैट. डॉक्टर की रिपोर्ट बदल जाएगी, परमेश्वर की रिपोर्ट अनंत तक अड़िग है, कभी नहीं बदलेगी. डॉक्टर्स रिपोर्ट्स विल चेंज, बट द रिपोर्ट ऑफ गॉड विल नेवर एवर चेंज फॉर यू. आमेन. आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का जो लॉ है, ग्रेविटी, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, एक जो हायर लॉ होता है वो नीचे जो लोअर लॉ होता है उसके ऊपर कब्जा कर लेता है. द हायर लॉज विल ऑलवेज ओवरकम द लोअर लॉज. जैसे हम लोग कूदते हैं, ग्रेविटी हमें नीचे खींच देती है. ग्रेविटी पुल्स अस डाउन. मगर जब इंसान रॉकेट के अंदर बैठता है, बट व्हेन मैन सिट्स इन और लॉ ऑफ लिफ्ट से ऊपर जाता है, एंड गोज अप थ्रू द लॉ ऑफ लिफ्ट, जब एक हायर लॉ लगाया जाता है, व्हेन अ हायर लॉ, तो ग्रेविटी नलिफाई हो जाती है. द ग्रेविटी इज नलिफाइड. ऐसे ही डॉक्टर की रिपोर्ट एक लोअर रिपोर्ट है. द रिपोर्ट ऑफ डॉक्टर्स इज अ लोअर रिपोर्ट. है, सही है, तथ्य है, इट इज अ फैक्ट. मगर उससे एक ऊंची रिपोर्ट है, बट देयर इज अ हायर रिपोर्ट. अपनी डॉक्टर की रिपोर्ट रखो टेबल में. कीप योर डॉक्टर्स रिपोर्ट ऑन द टेबल. बाइबल में यशाया 53:5 निकालो और उस रिपोर्ट के ऊपर रखो और बोलो, परमेश्वर मैं तेरी रिपोर्ट को हर एक डॉक्टर की रिपोर्ट के ऊपर रखता हूँ. टेक आउट Isaiah 53:5 एंड से, लॉर्ड आई पुट योर रिपोर्ट अबव एवरी डॉक्टर्स रिपोर्ट इन जीसस नेम. आमेन. लिखो उसके ऊपर, राइट डाउन ऑन इट, चेंज्ड बाय Isaiah 53:5. बदल गई है यशाया 53:5 के द्वारा. बोलो, मेरे डॉक्टर की रिपोर्ट बदल चुकी है. माय डॉक्टर्स रिपोर्ट्स हैव चेंज्ड. क्या लोग ऐसे थोड़ा ना होते हैं, यही तो दिक्कत है. दैट इज द प्रॉब्लम. ऐसे ही होता है. दिस इज हाउ इट हैपेंस. और हर संडे होता है यहाँ पे. एंड इट हैपेंस एवरी संडे हियर. बोलो, मेरी नेगेटिव रिपोर्ट बदल जाएगी नहीं.
बदल चुकी है यीशु के नाम में. Say my negative report has already changed in Jesus name. Amen. कितने लोग रिपोर्ट लाए हैं? रिपोर्ट उठाओ अपनी. How many people brought your report? अपनी रिपोर्ट उठाओ. How many people have brought your report here? बोलो मेरी रिपोर्ट बदल चुकी है. Say my report has changed. बोलो मेरी रिपोर्ट बदल चुकी है. My report has already changed. Amen. So you have to be fully convinced. आपको पूरी तरह से सहमत होना होगा. That God has already released healing for you. राजी होना होगा कि परमेश्वर पहले ही आपको चंगाई दे चुका है. उसके कोड़े खाने से By His stripes, हम चंगे हो चुके हैं. We were healed. We are not sick people trying to get healed. हम वो नहीं है बीमार लोग जो चंगे होने की कोशिश कर रहे हैं. We are the healed resisting every sickness. There is a difference. हम वो चंगे लोग हैं जो हर एक बीमारी का विरोध कर रहे हैं. ये और बहुत बड़ा फर्क है दोनों. मैं फिर से इस बात को बोलता हूँ. I'll say it again. We are not sick people. हम बीमार लोग नहीं हैं. Trying to get healed. जो चंगा होने की कोशिश कर रहे हैं. We are the healed of the Lord. हम प्रभु की ओर से चंगे हैं. Resisting every sickness. जो हर बीमारी का विरोध कर रहे हैं. Amen. Amen. लक्षण आना बीमारी नहीं है. When you get a symptom, that is not a sickness. फिर से इस बात को बोलता हूँ. लक्षण आना बीमारी नहीं है. When you get a symptom, that is not a sickness. जब लक्षण आए, When symptoms come, आत्मा की तलवार निकालो, take out the sword of the और spirit, वचन की घोषणा करना शुरू करो. And start to declare the word of God. Fully convinced हो जाओ. पूरी तरह से सहमत. उसके कोड़े खाने से By his stripes, मैं चंगा हो चुका हूं. मैं चंगी हो चुकी हूं. I have been healed. Amen. Third, जब आपको पूरा ये हो गया कि परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी है. When you know that God has given you healing. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. I'll give you an example. आपके पिता ने आपको एक फ्लैट गिफ्ट किया. Your father gifted you a flat. गिफ्ट किया, साथ में लिख के भी दे दिया. He wrote along with that. ये आपके लिए. This is for you. मगर जब आप उस फ्लैट में गए flat, तो वहां पे एक आदमी ने उस पे कब्जा कर रखा है. There was a man that was occupying the flat. अब आप क्या करोगे? What will you do? आप क्या करोगे? What would you do? किसका है वो फ्लैट? Who does it belong to? तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब? Whose responsibility अब आपको क्या करना है उसको? What do you have to do now? ऐसे ही परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी है. God has given you healing. शैतान वो लक्षण लेकर आपके ऊपर आ रहा है. If the devil is bringing that symptom against you, मगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया है. But the Lord Jesus has given us all authority over all demonic powers. पहली कुंजी क्या थी? What was the first key? Worship. दूसरी क्या थी? हाँ, पांच डब्बा गुल है. दूसरी कुंजी क्या थी? वेरी नाइस. तीसरी कुंजी क्या है? बताई नहीं है मैंने अभी, कैसे बताओगे आप? तीसरी कुंजी है कमांड द सिकनेस टू लीव योर बॉडी. आदेश दो उस बीमारी को आपके शरीर को छोड़ने के लिए. कमांड द सिकनेस टू लीव योर बॉडी. बीमारी को आदेश दो कि आपके शरीर को छोड़ दे. आमेन. जब आप फुली कन्विंस हो जाओ, मेरे को यीशु ने चंगा कर दिया है. When you are fully convinced, अब मुझे परमेश्वर से बोलने की जरूरत नहीं है. Now I don't have to ask God. अब मुझे उस कैंसर को बोलना है, कैंसर अपने घृणित हाथ हटा मेरे शरीर से और निकल बाहर मेरे शरीर से. Now I have to speak to that cancer. Cancer, take your filthy hands off of my body and get out in Jesus' name. Every sickness operating in your body is illegal. हर एक बीमारी जो आपके शरीर के खिलाफ काम कर रही है वो गैर कानूनी है. सुना आपने? Did you hear? क्या है? गैर कानूनी है. तो अब आपको क्या करना है? What आपको कमांड करना है उस बीमारी को निकलने. You have to command it to get out. जब यीशु मसीह पतरस के घर गए तो पतरस की सासू माँ को फीवर था. When Jesus went to the house of Peter, his mother-in-law यीशु मसीह ने क्या किया? What did Bible Jesus says do? He rebuked the fever. फीवर को डांटा. He rebuked the fever. Amen. जितनी मम्मियां हमारी अपने बच्चों को डांटती हैं, अगर बीमारियों को डांटने लग जाओगे तो डिवाइन हेल्थ में जियोगे. डिवाइन हेल्थ में. As much as our mothers rebuke their children, if they rebuke the sicknesses, they will live in divine health. आपको डांटना सीखना नहीं है. आपको आप परफेक्ट हो, एक्सपर्ट हो डांटने में. You don't have to learn. बस बच्चों को डांटना बंद करो और शैतान को डांटना शुरू करो. You don't have to learn how to scold. Just stop scolding your children and start scolding the devil. Amen. शैतान इसीलिए बिगड़ा क्योंकि डांटनी पड़ी उसको. हालेलुया. ओके, मार्क 11:22-23.
Jesus answered and said to them, "Have faith in God." यीशु ने उत्तर दिया और कहा कि परमेश्वर पर विश्वास। मैं जल्दी क्विकली खत्म कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। कई लोग पता है कहते हैं, अरे भाई आप परमेश्वर पर विश्वास रखो। Many people say, "Have faith in God." Have faith in God. बस खत्म कर देते हैं। यीशु मसीह ने कहा, "Have faith in God." Jesus said, "Have faith." उसने कहा, "Have faith in God." परमेश्वर और फिर दिखाया, "What does it mean to have the faith in God?" And then he showed what it means to have परमेश्वर विश्वास रखना क्या है। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा, "Have the faith of God." मूल भाषा में लिखा है कि परमेश्वर का विश्वास रखो। Faith of God speaks to the opposite situations. परमेश्वर का जो विश्वास है वो बात करता है विपरीत परिस्थिति से। जीसस ने क्या बोला? What did Jesus say? Have faith in God. Real manuscript में of God, but that doesn't matter. 23 में फिर क्या करो? For assuredly I say to you, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, क्या करे? Whoever will say to this mountain, यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझसे प्रार्थना करे कि मैं इस पहाड़ से कहूं। Jesus did not say, whoever tells me that I will. कई बार हम परमेश्वर को बता रहे, हो प्रभु जी देखो मेरी बीमारी कितनी बड़ी है। We try to tell God, oh Lord, my sickness is so great. वो कह रहा है, मैंने तेरे को पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास दिया है, अपना मुंह खोल और इस पहाड़ को उखाड़ अपने शरीर से। He's saying, I have given you the faith to remove mountains. Open your mouth and get this mountain out of your life. Amen. मैं एक परमेश्वर के दास है, मैं उनका सुन रहा था। वो बहुत रिसर्च भी करते हैं, एंड ही टुक सो मेनी, हजारों लोगों को लिया और एक रिसर्च पे उन्होंने कंक्लूड किया कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन से एक घोषणा लगातार 21 दिन तक करता है, कुछ भी इम्पॉसिबल चीज हो, उन्होंने देखा 21वें दिन कैंसर, ट्यूमर, ब्लाइंडनेस, एवरीथिंग वॉज ब्रोकन। I saw a man of God who does a lot of research, and he did this research on thousands of people, and he said when any child of God does a declaration from the word of God for 21 days, any impossible situation will be bina ruke, without stopping, multiple times, kai bar, but main isko law nahi bana raha, I'm not ye bible mein nahi likha, par unhone research kiya, unhone research se dekha ki jab logon ne pehle din kiya, dusre din kiya, ek hafta kiya, kuch bhi nahi hua, but for many people breakthrough came out of 14 days, kai log ke liye chutkara 14 ke baad aaya, but for almost all the people breakthrough came out of 21 days, lekin lagbhag sabhi ke liye 21ve din tak aa gaya। Amen. Agar aapka muh vachan bolta rahe, कोई भी पहाड़ आपके जीवन में खड़ा नहीं रह सकता यीशु के नाम में। If your mouth will keep on speaking life, no mountain will be able to stand against you in Jesus. Amen. यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, Jesus जो said, कोई इस पहाड़ से कहे, I tell you the truth, whoever will say to this mountain, तू उखड़ जा, be uprooted, क्या बोलो ये पहाड़ से? पहाड़ जी, पहाड़ जी, क्या बोला प्रभु ने? कमांड करो। He क्या said, बोला? पहाड़। ये पहाड़ का मतलब क्या है? पहाड़ मतलब वो चीज जो बहुत बड़ी है आपके जीवन में, आपको लगता है कि आप नहीं हटा सकते, वो पहाड़ है। He said, command that mountain, anything that is too big for you to remove. कैंसर एक पहाड़ है। कैंसर इज अ माउंटेन। अगर किसी को कैंसर है, यीशु कह रहा है उस कैंसर से, कहे कैंसर तू उखड़ मेरे शरीर से। If anyone has cancer, Jesus is saying, speak to that cancer, cancer get out of my body, tumor, in Jesus' name. उखड़ मेरे शरीर से। Tumor, get out in Jesus' name. कौन बोलेगा? Who will say it? आप बोलोगे। You have to say it. यीशु मसीह आपको बोल रहे हैं। Jesus is telling you to say. और कई लोग फिर यीशु मसीह को बोल देते हैं। Many people tell Jesus again. ये ऐसा है। It's like saying, मैं भाई सामर्थ को बोलूं। मैं कहूं कि मैं आपको 500 रुपए दे रहा हूं बाहर से कोक ले आना। I'm giving you 500 rupees. Can you get coke from outside? वो बोले, मैं आपको 500 रुपए दे रहा हूं बाहर से कोक ले आना। I'm giving you 500 rupees. Can you get coke from outside? यीशु कह रहा है आपको बोलना है। Jesus is saying you have to say. किसको बोलना है? Who has to? The righteousness of faith speaks. विश्वास की धार्मिकता बोलती है। The righteousness of faith speaks. Amen. जो कोई, यानी प्रभु नहीं कह रहा कुछ के साथ होगा, जो कोई बोलता रहेगा अपने पहाड़ से बिना थके, पहाड़ को उखड़ना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह, you know, otherwise Jesus will be a false god. The Lord is not saying that some will see this. He's saying anyone who says, अगर यीशु ने कुछ बोला और वो सच नहीं है, तो फिर वो सच्चा परमेश्वर नहीं है. If Jesus said something and it's not true, then he is not a true god. आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Can you?
यू हैव टू बी एब्सोल्युटली कन्विंस्ड कि अगर यीशु मसीह ने कहा है तो 100% होगा. आपको पूरी तरह इस बात में राजी होना होगा कि इफ जीसस हैज सेड इट. पुट दैट स्क्रिप्चर हिंदी में लगाइए और हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे. तैयार हैं आप? रीड इट टुगेदर. मैंने आपको क्या बताया था, ये चर्च एक बाइबल कॉलेज है. This church is a Bible. यहाँ पे आप विश्वास के योद्धा तैयार कर रहे हैं परमेश्वर. God is preparing warriors of faith here, champions of faith. साथ में पढ़ेंगे हिंदी में. Just put it in Hindi. Hallelujah. चलो छोड़ो, हम लोग साथ में पढ़ लेंगे हिंदी में. Ready? 1, 2, 3. मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा. ने बोली ये बात, किसी प्रचारक ने नहीं बोली. नो प्रीचर सेड दिस. प्रभु यीशु मसीह ने बोली. लॉर्ड जीसस. और उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा. एंड ही सेड हेवन एंड अर्थ विल पास बट नॉट इवन अ डॉट ऑफ माय वर्ड विल पास. आमेन. अब आप एक चीज करोगे. नाउ यू डू वन थिंग. तैयार हो आप? Are you ready? हम वो सीखें. रात को 3 बजे अगर पेट में दर्द होगा तो कौन सी हीलिंग मीटिंग में जाओगे? If at 3 in the night you have stomach pain, which हम आपको वो ट्रेनिंग देंगे जब आपको कोई मैन ऑफ गॉड नहीं चाहिए, आपको वर्ड ऑफ गॉड चाहिए. We are giving you that training where you don't need any man of God, you need the word of God. Come on, खड़े हो जाओ सारे के सारे. Stand in your places all. और कितने लोग चाहते हैं जय में जीना, अपने हाथ को दिखाओ. How many people want to live जय में जीना चाहते हो? You want to live in victory? Amen. जहां कहीं आप रहते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, आप जय में जी सकते हो. Doesn't matter where you live, in the village or in the city, you can live in victory. अब आपका जो पहाड़ है, now your mountain, वो आपको पता है. You know your mountain. मुझे नहीं पता आपका पहाड़ क्या है. I don't know what your mountain is. आपको पता है. You तो know. आप आज, अब ये प्रैक्टिकल है, आप कमांड करोगे. So today you will command your mountain. वो कैंसर हो सकता है. It can be cancer. कर्जा हो सकता है. It can be death. किसी बच्चे की बीमारी हो सकती है. A child who is sick. कोई ऑपरेशन हो सकता है. Any जो भी है. Whatever it is. तैयार हैं आप लोग? Are you ready? मैं कहूंगा 1, 2, 3. I'll say 1, 2, 3. एक चीज ध्यान से सुनिए. Hear carefully. एक चीज जो मसीह लोगों को आज चाहिए वो है violent faith. One thing the believers need today is violent faith. Violent faith. Violent faith का मतलब समझते हैं? You understand? आप बोलोगे ये मेरे बाप ने मुझे दिया शरीर, शैतान तू इस शरीर को नहीं छू सकता. You will say, my father has given me this body, devil you cannot touch this body. Amen. सोचो यीशु मसीह ने कितना बड़ा दाम चुकाया हमारी चंगाई के लिए. Imagine what a great cost Jesus has paid for our healing. क्या जरूरत थी उसको कोड़े खाने की? What was the need for him to take those? क्या जरूरत थी उसके पूरे शरीर से मांस उखाड़ दिया गया? What was the reason for his flesh to be torn apart? कोड़े खाए? Why did he take those? ताकि आप और मैं चंगाई में चलें. So that you and I can walk in health. Amen. तैयार हो आप? Are you ready? मैं 1, 2, 3 कहूंगा. I'll say 1, 2, 3. और आप कैंसर है तो बोलो हे कैंसर. So if anyone has cancer, cancer, get out. Diabetes, bone disorder, heart problem, आप बोलना शुरू करो. You start speaking. Amen. Amen. Okay. 1, 2, 3. Come on, come on. Command करो, command करो. आदेश दो. Say, zola bahasa. Command करो. आदेश दो. अपनी सारी बीमारी को command करो इस समय. आपके मुंह में जीवन और मृत्यु डाला है परमेश्वर. God has put life and death in your mouth. Come on, इस्तेमाल करो उस अधिकार का. Use that authority. इस्तेमाल करो उस अधिकार का. Use that authority. जहां कहीं आप हो, wherever you कोई are, कोई चुप न रहे इस समय. Let no one be अपने मुंह को खोलो. Open your command mouth. करो इस समय. Command right now. Oh,
ra ba 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 re de na ma 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 re ge de ne li bra bra ga da na